Hello everyone. Welcome to Oliveboard. I am in the Santoshi. Have done B.LL.B followed by LL.M. Presently pursuing PhD. I have more than 10 years of experience in the field of law as an advocate as well as educator i have also taught in the campus law center university of delhi as an assistant professor now pleased to share that oli board is going to start online coaching for judicial services through its various online platform and i'll be one of the faculty for the same covering major law subjects and the most important i'll be providing you bullet points important notes Leading case laws, recent judgments, and amendments. At the same time, while conducting a class, we'll be discussing previous year question papers and many more. And I assure with the help of this classes you can easily achieve your targets. And therefore, stay tuned with Olive Board for further videos and updates. Thank you. Good morning, class. How are you? गुड मॉर्निंग अमन गुड मॉर्निंग राजेंद्र गुड मॉर्निंग रवि यश कोई बात नहीं यश मैं और भी टॉपिक्स ला रही हूँ डोंट वरी ये मैंने प्रयास सीरीज में कराया नहीं है इसलिए मैं करा रही हूँ और इसमें भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो तुमने नहीं किए हैं जो तुमने कवर नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस भी हैं तो तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो कि मैम वापस से वही कंटेंट तो रिपीट नहीं होगा अगर ये टॉपिक मैंने तुम्हें पहले तुम मेरे साथ में क्विज़ में कर चुके हो कि क्विज में मैं जो तुम्हें करा चुकी हूँ उसके बाद भी इसमें बहुत कुछ नया है जो तुमने पहले नहीं किया है ठीक है ए के आशीष गुड मॉर्निंग प्रफुल्या किंग केसर गुड मॉर्निंग दीपक यादव गुड मॉर्निंग विवेक गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे फटाफट से ज्वाइन कर लो सेशन क्योंकि आज हम करने वाले हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स प्लांट एंड एनिमल्स ठीक है काफ़ी बच्चों को मैं क्विज में ये मैंने काफ़ी दिया है और ये क्लास के अंदर आप बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स करके जाने वाले हो ठीक है तो मेरे साथ में आप लोगों को क्या करना है टाइम टू टाइम जवाब देने हैं ठीक है थीके? और जवाब देते रहना आपको जैसे मैं कॉन्टिन्यूसली बोलती रहूंगी करती रहूंगी वैसे ही आपको कॉन्टिन्यूसली बोलते रहना है करते रहना है, क्योंकि देखो करत करत अभ्यास की जड़बित होत सुजान आई होप मैंने ये करेक्ट बोला है और अगर नहीं बोला है तो तुम्हें पता ही है कि मेरी लाइफ में कोई चीज़ परफेक्ट या करेक्ट होती नहीं है ठीक <laughs> है प्रणाम अमित सत्यम सिंह गुड मॉर्निंग इंद्रपाल चौहान गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी ठीक है क्लास के स्टार्ट क्लास करियर स्टार्ट देखो तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग 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 टॉपिक्स मैं लेके आ रही हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आ, ये मैंने आपको बताया था सीजीएल टीयर टू की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर आपको फोर्टी परसेंट ऑफ मिलेगा क्वांट के लिए अभिमन्यु बैच चलाया गया अर्थमेटिक के लिए है लक्ष्य बैच ठीक है तो यहाँ पर रविंद्र सर आपको पढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑलि बोर्ड की ऐप पर ये कैसे स्किप हो गया ठीक है दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको ऑन उन, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी हंड्रेड से भी ज़्यादा एग्जाम्स के लिए कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग एस एस सी आर आर बी इंश्योरेंस कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट का एग्जाम यूपीएससी जेएनके उत्तर प्रदेश के एग्जाम सभी के यहाँ पर आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी नेक्स्ट इसमें क्या है आपको फ्री जीके और करंट अफेयर्स मिलेंगे और तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही अच्छी है वो है लाइव क्लासेस विद प्रैक्टिस सेशन इसके लिए आपको क्या करना है आपको सिर्फ ओले बोर्ड ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद में तुम अपने आप एक्सप्लोर करना और जानते रहना कि इसमें क्या क्या अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं तुम्हारे लिए ठीक है पहला क्वेश्चन फेंक दूँ बिना देर किए करंट बोला है वट डू यू मीन बाय करंट करंट क्या ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपकी स्क्रीन पर व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड अब यश बोलेंगे कि मैम दिस इज टू इजी बहुत ही इजी है ठीक है तो बताइए आंसर क्या होगा कैन इज ल्यूपस एल्फाइड नाजा इक्वस नस या फिर बताइए बताइए आंसर क्या होगा इधर बहुत अच्छे अमन का सबसे पहले आंसर आया है बहुत अच्छे बिल्कुल सही देखो जो मैंने आपको बोला कि जो ये टाइगर है लायन है लेपड़ है इनके आगे एक चीज लगती है पैंथर ठीक है इनके आगे क्या चीज लगती है पैंथर लगती है आगे की तरफ क्या चीज होती है आगे की तरफ होता है इनका जेनेरिक नाम और पीछे की तरफ होता है इनका स्पीशीज का नाम यानी कि जेनरिक नाम मतलब जो भी एक तरीके के दिखते हैं उनका नाम और एक कि उसमें उनकी कौन सी स्पीशी उनकी कौन सी भांति है ठीक है उसके अंदर उनकी कौन सी भांति है तो यहां पर क्या होगा देखो आपको कैसे याद करना है पार्डस तो क्या होगा लेपर्ड का पार्ड है इधर पार्डस और लेपर्ड के पार्ड से या, क्या याद रखोगे लेपर्ड का क्या हुआ पैंथस पार्डस अच्छा ये बताओ एल्फाइड नाजा ये कौन है किसके पास ना जा किसके पास ना जा वो तुम्हें डस लेगा किसके पास ना जा आंसर करो क्या होगा अल्फाइड नाजा क्या होगा अल्फाइडे नाजा किसके लिए होगा ये होगा आपका कोबरा के लिए कोबरा के पास गए ना तो तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा नहीं सब निकाल देगा वो ठीक है एलोफाइड नाजा किसके पास नहीं जाना है आपको कोबरा के पास नहीं जाना है अच्छा कैनिस ल्यूपस ये जो कैनिस है ना ये जो डॉग लाइक लोग है मतलब डॉग की तरीके के आकार के दिखते हैं उसमें डॉग हो सकता है उसमें फॉक्स हो सकता है उसमें आपका आ, उसमें आपके वूल्स हो सकते हैं तो आपको बताना है कैनिस ल्यूपस है जो ये कौन सी उससे रिलेटेड है ठीक है आंसर इधर आ रहा है अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है करेक्ट आंसर क्या होगा देखो कैनिस ल्यूपस किसके लिए यूज होता है ल्यूपस होगा आपका वुल्फ के लिए भेड़िए होते हैं ना ट्वीलाइट में देखा होगा ट्वीलाइट की सीरीज में ट्वीलाइट की मूवीज में देखा होगा कि एक भेड़िए होते हैं एक वम्पायर्स होते हैं तो वुल्फ कौन से है कैनिस ल्यूपस और खाली कैनिस फैमिली का कौन होते हैं डॉग लाइक -like, जो डॉग डौ, जैसे दिखते हैं और एसीनेस कौन होगा ये होगा ए डबल एस यानी कि गधा कैसा वाइल्ड एस यानी कि गधा अब तुम घोड़े हो कि गधे हो ये तुम देख लो ठीक है और एक्वस घोड़े के आगे भी लगता है लेकिन एक्वस की क्या लगता है एक्वस फेरस कैलिबस मतलब उसके अंदर कैलिबर बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो घोड़ा है और जो कुछ नहीं करता है ऐसे ही है वो क्या है एस यानी कि गधा है नेक्स्ट देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या था पैंथर पार्डस इसका करेक्ट आंसर था नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ पपाया इज़ यानी कि पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे साथ जुड़े रहो यहाँ आज तुम बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स याद करके जाओगे <coughs> बिल्कुल अमन वेम्पायर डायरी सब पता है तुम्हें सब देख रखा है तुमने आंसर क्या होगा <coughs> आंसर क्या होगा इधर देखो नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पपाया किसके पीछे आया है कैरिका पपाया ऐसे ही नाम में एक गोवावा है गोवावा में साइडियम गोवावा लिखा होता है तो गोवावा से ही क्लिक हो जाएगा यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है कैरिका पपाया मतलब पपाया ही लिखा है तो ये पपाया है अच्छा ये बताओ होडियम वलगरे वलगरे कौन है कौन है वलगर इसी के जैसा साउंड करता है नाम है बारले क्या नाम है बारले ठीक है बारले फसल होती है आपको पता है जो बारले है उसको कैसे याद रखोगे वलगरे से किसको याद रखोगे बारले को वलगरे से किसे याद रखोगे बारले को देखो हिंदी में इसका इसलिए नहीं बता रही हो फिर तुम लिंक नहीं कर पाओगे बारले से क्या याद रखना है वलगरे ठीक है वलगर बातें कौन करता है बारले करता है ठीक है बार में कैसी बातें करते हो वलगर बातें करते हो ठीक है ऐसा रम ऐसा रम कौन सा रम है ऐसा रम कौन सा रम है ये होगा वाइल्ड जिंजर यानी कि जंगली अदरक ठीक है वो यूज नहीं होती है अदरक का दूसरा नाम है अदरक का दूसरा नाम है ये कैसी है ये जंगली अदरक है जो जंगल में लगती है जो किसी काम की नहीं होती है उसका नाम है ऐसरा इसको चलो भूल भी जाए इसको याद करने की जरूरत नहीं है फिर है ट्रीटिकम एसिटिकम ट्रीट अगर तुम किसी को ट्रीट देते हो तो क्या उसको वीट खिलाते हो अगर तुम किसी को ट्रीट देते हो तो क्या तुम उसको वीट खिलाते हो घर पर बुला के रोटियाँ खिलाते हो वीट की वो कहता हैं नहीं इससे अच्छा तो कम मतलब दो ही मत ट्रीट ऐसी कम मत दो कि तुम मुझे वीट खिलाओ तो ट्रीटी कम से क्या याद रखना है ट्रीटी से क्या याद रखना है ट्रीट मतलब वीट ट्रीट मतलब वीट ठीक है याद हो जाएगा ट्रीट मतलब वीट तो जब भी ट्रीटिकम एसिटम आए तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर वीट नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ फॉक्स यानी कि फॉक्स का लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है एसिनोइक्स नोक्स कॉर्ब splendens या फिर कैनिस वर्ल्ब्स या फिर इक्वस एसिनस इक्वस एसिनस तुम्हें क्या बताया कि ऐसा वैसा कौन है ऐसा वैसा है गधा ए डबल एस ठीक है गधा कैनिस वर्ब्स यानी कि कैनिस मतलब डॉग की फैमिली से है डॉग जैसे दिखने वालों की फैमिली से है और लोमड़ी किसके जैसे दिखने वाली फैमिली से है वो भी तो डॉग की तरह ही दिखते हैं ना थोड़ा सा उसके अंदर उसकी जो प्रजाति है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसके पीछे क्या लगता है वल्प्स इसके पीछे क्या लगता है वल्ब्स लगता है हमने किया था कैनिस ल्यूपस ठीक है ल्यूपस कौन है कैनिस ल्यूपस अगर आएगा तो क्या होगा आपका वुल्फ होगा ठीक है कैनिस ल्यूपस होगा तो क्या होगा वुल्फ होगा और अगर होगा आपका कैनिस वर्ब्स ठीक है कैनिस वर्ब्स अगर होगा तो आंसर क्या होगा वल्ब्स आती है आपको क्या करना है फॉक्स ठीक है वर््ब्स आती क्या करना है आपको फॉक्स यहां पर कॉर्वस प्लेंडस ये क्या होगा कॉर्वस कॉर्वस जिसका गला कैसा है कौए जैसा है तो क्या होगा क्रो कौआ ठीक है कौरवश यानी कि क्रो किसका गला कैसा है कौए जैसा है कौरवश है, है गाना गाता है जो कौरवश गाना गाता है जो वो कैसा गाता है कौए जैसा गाता है तो इसका क्या होगा साइंटिफिक नेम किसका होगा क्रो का ऐसी नोइ्स ऐसी तेज़ रफ्तार किसकी है ऐसी तेज़ रफ्तार किसकी है जो तुम्हें जभी की जबी पकड़ लेगा ठीक है ऐसी रफ्तार किसकी है तो चीता की रफ्तार है ऐसी रफ्तार किसकी है चीता की रफ्तार है तो ऐसी नो निक्स होगा तो होगा चीता कॉर्वस यानी कि कौए जैसा गला होगा तो होगा क्रो कैनिस वल्पस होगा तो होगा फॉक्स और एक्वस एसिनस होगा तो क्या होगा गधा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है फॉक्स का पूछा है तो क्या होगा कैनिस वल्पस कैनिस वल्पस नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर सनफ्लावर सूरजमुखी का वैज्ञानिक नेम नाम क्या है ऐसी Ocimum, टेनि फ्लोरम हेलियंथस एनस या फिर एलिमस या फिर एसर रबम ठीक है मुझे लगता है कि जो इस, इस टाइप के ना ये इतने ज्यादा कराने नहीं चाहिए जो इंपॉर्टेंट uh, इंपॉर्टेंट है आई थिंक वही मैं आपको कराती हूँ बाकी बताने का कोई मतलब नहीं है ठीक है बहुत अच्छे अमन सुयश ने आंसर किया है डी अमन ने आंसर किया है बी अमित ने किया है स्किप करेक्ट आंसर क्या होगा देखो इसमें क्या है सनफ्लावर में क्या है सन और तुम्हें पता है सन किससे है सन के अंदर हीलियम होता है सन के अंदर हीलियम होता है तो सनफ्लार पूछेगा तो क्या होगा हीलियन होगा सन फ्लार बोलेगा तो हीलियन होगा याद कैसे रखेंगे हीलियन थस एनस क्या होता है ये होता है आपका सनफ्लॉर ये क्या होता है आपका सनफ्लॉर ऑसिम टेनिफ्लोर ये होता है वाइल्ड होली बेसिल ये क्या होता है बेसिल होता है एसर रब्बम होता है रेड मेपल ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना पूछेगा नहीं ठीक है सनफ्लावर इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर को याद कर लेना यानी कि हेलियन आएगा तो क्या होगा सनफ्लावर क्योंकि सन में क्या है हीलियम है नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ नीम नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है आज़ादी रश्ता सिंजियम एरोमेटिकम या फिर बंबूसा या फिर गौसिपियम ठीक है आंसर करो क्या होगा इधर देखो जब तुम तुम्हें कोई नीम खिलाएगा तो तुम उसको क्या चाहिए तुमको उससे आज़ादी चाहिए होगी कोई तुम्हें नीम खिला रहा है तो तुम बोलोगे कि मुझे तुझसे आज़ादी चाहिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम मुझे कड़वी चीज़ यानी कि नीम खिला रहा है तो आप उससे आज़ाद होने के लिए वहाँ से भागोगे करेक्ट आंसर क्या होगा जब भी आज़ाद होना होगा किससे आज़ाद होगे जो तुम्हें नीम खिला रहा है उससे तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आज़ादी रिश्ता इंडिका अच्छा ये है जो एरोमेटिका तुमने देखा होगा कि लौंग यानी कि क्लोव लौंग डलती है आपकी किसमें बिरयानी वगैरह में या ऐसे पुलाव वगैरह में ताकि क्या आती है उससे एक बहुत ही अच्छी अरोमा आती है अरोमा मतलब बहुत अरोमा अच्छी सुगंध आती है ठीक है अरोमा का मतलब क्या, है? का मतलब क्या होता है सुगंध आती है तो क्लोव यानी कि लौंग किस में डालते हैं बिरयानी में डालते हैं ताकि उसमें से बहुत अच्छी अरोमा आए तो क्लोव का क्या होगा जहां पर भी अरोमैटिकम आ जाए और आगे क्या हो सीजियम ठीक है सीजीगियम हो और पीछे क्या हो एरोमेटिकम तो क्या होगा आंसर आंसर होगा क्लोव ठीक है, बम्बूसा बम्बूसा से क्या होगा इसके नाम में ही क्या है बैंबू ठीक है तो बैंबू का साइंटिफिक नाम क्या है बम्बूसा फिर आया गोसीपियम यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है यानी कि बहुत ही ज्यादा मुलायम ग्लॉसी है बहुत ही चमकदार है तो क्या होगा तो होगा आपका कॉटन ठीक है जब भी बोले गोसेपियम याद रखना है ग्लॉसी यानी कि चमकदार और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वो क्या होगा कॉटन ठीक है यहाँ तक क्लियर है इसका करेक्ट आंसर क्या था नीम यानी कि आज़ादी रिश्ता इंडिका नेक्स्ट है कंसीडरिंग बायोनोमियल नोम क्लेचर पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम आर ये जो तुम दो टुकड़ों में दो विभाजन में देखते हो ना अभी जैसे आजादी रश्ता यहां पर था आज़ादी रिश्ता यहां पर दूसरे में लिखा था इंडिका ठीक है आज़ादी रास्ता इंडी का नाम लिखा था किसका नीम का आज़ादी रश्ता का क्या मतलब है इंडिक का क्या मतलब है मतलब ये जो बायोनोमियल द्विपद नामकरण है इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम के भाग क्या हैं जीनस एंड क्लास जीनस एंड किंगडम जीनस एंड स्पीशीज या जीनस एंड फाइलम बहुत अच्छे में तुम्हें बता चुकी हूँ कि पहला नाम तो ये होता है कि किस जेनेरिक है ये कौन सी जर्नली कौन सी जीनस से है इनके जीन्स कैसे हैं जीन्स मतलब इनकी बनावट दिखने में ये कैसे लगते हैं और उसके आदमी में इनकी प्रजाति इनकी स्पीशीज कि एक ये कौन सी स्पीशीज है जैसे दिखने में आपको डॉग भी कुत्ता भी सेम लगेगा आपको भेड़िया भी सेम लगेगा आपको दिखने में अगर दूर से देखोगे तो एक जैसे ही दिखने के हैं लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नता है वो किसकी वजह से इनकी स्पीशीज की वजह से इनकी प्रजाति की वजह से तो ये दूसरी चीज बताती है प्रजाति जैसे कैने से लिखा हुआ था सब में लेकिन वल्फ्स था तो आपका क्या था वल्फ था तो आपका था फॉक्स ल्यूपस था तो आपका था वुल्फ अगर फैमिलेस होगा तो क्या होगा डॉग इसलिए इसकी

आंसर करो इधर क्या होगा बहुत अच्छे मैंने तुम्हें बताया शेर है चाहे वो बाघ है चाहे वो लेपड़ है तेंदुआ है क्या होगा आगे लगेगा पैंथरा। पीछे लायन है तो क्या लगेगा लायन मतलब लियो लायन मतलब लियो लेपड़ मतलब पार्डस लेपड का ये पार्ड से क्या हुआ पार्डस और टाइगर से क्या हुआ टाइगरिस टाइगर से क्या हुआ टाइगरिस अब यहां देखो लियो है तो क्या होगा लाइन यानी कि शेर होगा पार्डस है तो क्या होगा लेपड़ यानी कि तेंदुआ टाइगरिस है तो क्या हुआ टाइगर यानी कि बाघ अच्छा ये क्या है सरवाइडे देखो डे दे, यहां पर भी डा यहां पर भी डे आंसर क्या होगा डियर यानी कि हिरन आपको क्या देखना है सर्वाइडे दे डे में जहां दिखे डे और डा तो क्या होगा डियर बार बार डी रिपीट हो रहा है डे और डा सर्वाइडे डे कैसा सर्वाइवल कैसा करना है सर्वाइडे डे को किसको सर्वाइवल करना है इन सबसे बचने के लिए डियर को हिरण को सर्वाइवल करना है तो जहां पर भी सर्वाइडे डे होगा तो आंसर क्या होगा आपका डियर यानी कि हिरण नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है पायरस मैलस या फिर आपका मैग्निफेरा इंडिका या फिर साइडम गोवावा या फिर म्यूसा पैराडीसियम बताइए आंसर क्या होगा सलमान <laughs> खान का फेवरेट एनिमल डियर बहुत अच्छे <clears throat> बताओ इधर आंसर क्या होगा <clears throat> <clears throat> मैग्निफेरा इंडिका बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा आपका मैगनी फेरा इंडिका इसको कैसे याद रखोगे भाई मैंगो है और मैगनी फेरा है मैंगो है और मैगनी फेरा है ठीक है ये तो याद करने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं मैंगी इधर है और मैगनी इधर है ठीक है अच्छा ये बताओ साइडियम गोवावा का क्या होगा तुम्हें बताया था इसका क्या होगा गोवावा ही होगा यानी कि ये अमरूद है म्यूसा पेरेडिसिकम ये किसका नाम है म्यूसा पेरेडिसिकम ये किसका नाम है बताओ ये किसका नाम है बताओ फटाफट बहुत अच्छे बनाना का नाम है किसका नाम है बनाना का नाम है और पायरस मैलस किसका नाम है देखो अगर आपका होगा मैलस डोमेस्टिका अगर आपका होगा मैलस डोमेस्टिकम तो होगा आपका यहाँ पर जहाँ पर भी मैलस दिखे वो क्या होगा वो होगा एप्पल मैलस अगर दिखता है तो क्या होगा एप्पल यहाँ पर लिखा है पायरस मेलस मैलस डोमेस्टिकम होता है नॉर्मल एप्पल का नाम कोई भी किसी भी तरीके का एप्पल है जितने भी एप्पल हैं क्या बोलेंगे मैलस डोमेस्टिकम लेकिन अगर आ जाए पैरस मेलस तो मैलस है तो मतलब एप्पल तो ज़रूर है लेकिन पायरस है तो कैसा है पैराडाइज एप्पल पैर पायरस है तो कैसा है पैराडाइज एप्पल ठीक है ये एक भाती है उसकी सेब की नेक्स्ट देखते हैं इन बायनोमियल नोम क्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण में दूसरा नाम क्या दर्शाता है सेकंड नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज ऑर्डर किंगडम या फिर क्लास बताइए आंसर क्या होगा बहुत इजी है इससे पहले अगर तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया था कितने लोग जानते थे कि एक्चुअल में ये चीज ऐसे होती है आप में से कितने लोग जानते थे कि ये चीज ऐसी होती है बहुत अच्छे अमन कुमार अमन स्टाइल प्रफुल्लिया सुमिता बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर स्पीशीज़ यानी कि दूसरा नाम है पहले तो होता है पहला जो नाम होता है वो तो होता है उसका जेनरिक नेम दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक नेम क्या दर्शाता है उसकी स्पीशीज़ यानी कि प्रजाति को दर्शाता है और जेनरिक नेम क्या दर्शाता है उसका जीन्स कैसे है उसका जीनस कैसा है ठीक है उस पूरी फैमिली कैसी है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इनमें से टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है आंसर करो क्या होगा इधर आंसर करो इधर क्या होगा <coughs> <coughs> आंसर इधर आ रहा है, अमन बोल रहे हैं डी अमन स्टैंड बोल रहे हैं डी विवेक बोल रहे हैं सिट्रिस सिट्रिस सिट्रिक अच्छा सिट्रस का सिट्रिक है राजेंद्र बोल रहे हैं डी करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकन एसी क्यू लेंटम ठीक है आप यहाँ से भी याद रख सकते हो लेंटन में टम क्या है टमैटो का टम है क्या है टोमेटो का टम है और टोमेटो हम बहुत लाइक करते हैं बहुत अच्छा लगता है टोमेटो जब बर्गर के अंदर सूड के दिया होता है ठीक है यहाँ बर्गर है इसमें टोमेटो होता है तो वो हम लाइक करते हैं जब टम यानी कि टोमेटो आता है बर्गर के अंदर तो हम लाइक करते हैं किसको टोमेटो को यहां पर जिया मेस इसका क्या होगा ये होगा मेज जिया मेज किससे होगा मेज यानी कि जो आपका भुट्टा है छली है वो क्या होगा मेज कहलाएगा ठीक है तो आप मेज से मेज याद रख लेना अच्छा सिट्रस ओरेंटिसियम ठीक है सिट्रस है मतलब खट्टा है और रेंटियम क्या होगा ओरेंज से याद रखना ओरेंज ओरेंट से याद रखना और ठीक है सोलानम मेलो जीना इससे क्या याद रखना है जीना से ब्रिंजल जीना से क्या याद रखना है ब्रिंजल या फिर इसको यूबर भी कहते हैं इसका एक नाम और है एग प्लांट भी कहते हैं ठीक है इसको एग प्लांट भी कहते हैं यूबर भी कहते हैं और ब्रिंजल यानी कि बैंगन ठीक है मेलोन जेना से क्या याद रखोगे ब्रिंजल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग यानी कि डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ Canis ल्यूपस फैमिलियरिस ये भी हटा दूं अगर मैं अब बता दो ठीक है पेंथेरा टाइगस बायस एंड बोनस या फिर एसीनोक्स जुबर्टस आंसर क्या होगा बहुत अच्छे बिल्कुल सही क्या होगा कैनिस फेमलियरिस अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कैनिस ल्यूपस तो जल्दी से आंसर करो अगर होगा यहाँ पर कैनिस ल्यूपस तो आंसर क्या होगा ल्यूपस किसके साथ रखता है ल्यूपस किसके साथ रखता है ल्यूपस एक वेम्पायर है जिसको मारने कौन आया है वुल्फ मारने आया है कैनिस ल्यूपस ल्यूपस एक वेम्पायर है जिसको कौन मारने आया है वुल्फ मारने आया है और अगर बोलू कैनिस वल्पस कैनिस वल्पस तो आंसर क्या होगा कैनिस वल्प बोलूं तो आंसर क्या होगा बहुत अच्छे तो होगा आपका फॉक्स ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर फॉक्स पेंथरा टाइग्रेस टाइग्रेस है तो मतलब टाइगर बायसन बोनासेस ये किसका होता है बायसन एक तरीके का भैंसा होता है क्या होता है भैंसा जैसे आप वो देखते हैं ना शेयर बाजार में जो रिप्रेजेंट करते हैं बुल टाइप भैंसा टाइप बहुत बड़ा सा बहुत ही मोटा सा भैंसा होता है बाइसन नाम होता है उसको बोलते हैं बाइसन बोनसेस फिर आता है ऐसी नोइक्स जुबेटर्स ऐसी रफ्तार किसकी है जहां पर भी ऐसी नोइक्स तुम्हें दिख जाए तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है ऐसी रफ्तार किसकी है रफ्तार है चीता की ऐसी रफ्तार किसकी है जो सब को पीछे छोड़ देगा ठीक है जो कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा और वो निकल जाएगा वहां से वो कौन है चीता है ठीक है कैनिस फिल्मर इससे कौन सा हुआ इससे हुआ डॉग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन मेलन यानी कि तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है आंसर करो तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या है क्यूक्यू मेंटिवस सिट्रस ओरेंडिटम सिट्रलिय वलगरिस या फिर सिट्रस लिमोनियम आंसर करो यहां पर क्या होगा आंसर करो इधर क्या होगा बहुत अच्छे सभी का आंसर है यहां पे आ रहा है डी अच्छा डी तुम कर रहे हो यहां पर कुछ दिख रहा है लिमोन करके दिख रहा है कुछ तुम्हें भी पता है लिमोन होगा तो क्या होगा लेमन खट्टा है लेकिन पीछे लिखा है लिमोन तो क्या होगा इधर लेमन ओरेंटियम ओरेंटियम से तुम्हें क्या याद कराया था ओरेंटियम से तुम्हें याद कराया था Orange. Orantium से तुम्हें क्या याद कराया था ऑरेंज ठीक है करेक्ट आंसर करो यहां पर क्या होगा अभी तक सिर्फ एक ही का आंसर आया इधर क्या होगा आई थिंक मैंने ना इसमें गलत लिख रखा है थोड़ा सेटिवस सेटिवस यहाँ पर पता क्या होगा ये तो मैंने सही लिख दिया आई थिंक मैंने ये गलत लिख दिया है लेनेटस होगा इधर तुम लोगों की गलती नहीं है मैंने ही गलत दि, लिख दिया वलगैरस दूसरे का लिख दिया सिट्रुलस लेनेटस होगा तो क्या होगा वाटर होगा ठीक है सिट्रुलस लेनेटस होगा तो क्या होगा वाटर होगा ठीक है और यहाँ पर क्या होगा क्यूक्यू में सेटिवाज ये किसका नाम है क्यूक्यू में सेटिवाज ये किसका नाम है जल्दी से आंसर करो क्यूक्यू में सेटिवा किसका आंसर है तो ये होगा आपका देखो क्यूक्यू लिखा है कुकम्बर का आपने सुना है कुकम्बर कैसे शुरू होता है क्यूकंबर क्यूकम्बर तो ये सी यू सी यू और यहां पर सी यू सी यू ठीक है तो यहां पर आंसर क्या होगा क्यूक्यू से क्यूकम्बर ऑरेंज से ऑरेंज और यहाँ पर लेनेटस से याद रखना है क्या लेनेटस क्या वाटरमेलन ठीक है लेनाटस क्या लेने गए वाटरमेलन लेने गए क्या लेने गए गर्मियों में क्या लेने गए लानाटस क्या लाना वाटरमेलन लाना ठीक है और ये लेमन होगा तो क्या होगा लेमन होगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा सी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स यानी कि घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है एक्वास एसिनस एल्फाडाजा एरटियोडेक्टियल सरवाइडे या फिर एक्वेरस कैलेबस ये सारे करा दिए आंसर करो आंसर क्या होगा इधर ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ आंसर करो इधर क्या होगा देखो मैंने तुम्हें बोला था कि कैलेबर कैलेबस बहुत ज़्यादा है कैलेबर बहुत ज़्यादा है बहुत काम का बंदा है कौन बहुत ही काम का जानवर है हॉर्स ठीक है बहुत ही जोर से दौड़ता है बहुत ही तेज उसकी स्पीड है तो कैसा है फरार हो जाता है ठीक है मिनट के अंदर फरार हो जाता है इतनी तेज दौड़ता है उसका कैलिबर भी कैसा है कैलेबस भी बहुत ज्यादा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फेरस कैलेबस किसका होगा हॉर्स का और जो ऐसे ही है किसी काम का नहीं है वो कौन सा है गधा यानी कि एसिनस से क्या होगा ए डबल एस एस यानी कि गधा एल्फाडाई ना जा किसके पास ना जा जो तुम्हें क्या कर देगा डस लेगा ठीक है जिसकी वजह से उसके पास जाओगे तो क्या हो जाओगे डाई हो जाओगे मर जाओगे कौन सा है कोबरा ठीक है और यहाँ पर क्या है सरवाइडे सरवाइवल कौन करता है सरवाइवल कौन सा करता है डे यानी कि डियर सर्वाइवल किसको करना पड़ता है जंगल में सर्वाइवल किसको करना पड़ता है शेर से बचना पड़ता है डियर यानी कि हिरन को सरवाइडे डेक्टाइल से क्या होगा डियर यानी कि हिरन होगा नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑरेंज ऑरेंज का कितनी बार करा चुकी हूँ है ना ऑरेंज का संतरे नारंगी का वैज्ञानिक नाम क्या है सोलनम ट्यूबरसम लेटुका सेटिवा सिट्रस ओरिटम या फिर कैप्सिकम फ्रूट सेंस आंसर करिए क्या होगा अमन कुमार ने आंसर किया है इधर सी विवेक ने बोला है सिट्रस फैमिली का बहुत अच्छे देखो खट्टा है सिट्रस फैमिली का है, और दूसरा क्या है कर रहा था ऑरेंज से क्या होगा ओरन मतलब ओरेंज ओर मतलब ऑरेंज ठीक है ऑरेंज मतलब ऑरेंज ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सिट्रस और एनिटम अच्छा ये बताओ नम ट्यूबरसम एक हमने करा था नम एक हमने करा था नम मेलनजीना एक हमने किया था नम मैनजीना और जीना से क्या याद कराया था ब्रिंजल जैन और जल ठीक है ब्रिन जल की जल लेके आओ ठीक है ब्रिंजल जिसको मैंने बताया था यूबरजीन और एग प्लांट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में ठीक है एग प्लांट भी कहते हैं और यहाँ पर क्या है सोलह नम ट्यूबरसम यानी कि अगर क्या खाओगे तो ट्यूब जैसे मोटे हो जाओगे ट्यूब जैसे फूल जाओगे ट्यूब की तरह फूलोगे कब जब पोटैटो खाओगे यानी कि आलू ज़्यादा खाओगे तो ट्यूब की तरह फूल जाओगे ठीक है आलू ज़्यादा खाओगे तो ट्यूब की तरह फूल जाओगे तो जहाँ पर भी आया आपका ट्यूबरसम तो आंसर क्या होगा ट्यूबरसम से पोटैटो ट्यूब की तरह फूल जाओगे अगर क्या खाओगे आलू ज़्यादा खाओगे अच्छा लेकू का सेटिवा क्या होगा ये होगा आपका लेटस वो आपका लेटस किसी ने मैक वेजी खाया है मैकडोनल्ड्स का मैक वेजी खाया है तो उसमें जो वो आपकी जो आपको कई लोगों को लगता होगा कि ये बंद गोभी है ठीक है कैबेज है लेकिन वो कैबेज नहीं होती वो क्या होता है लेटस होता है ठीक है वो क्या होता है लेटस होता है कुछ इस इस टाइप का दिखता है वो ठीक है उसी टाइप का दिखता है थोड़ा थोड़ा बंद गोभी टाइप का ही दिखता है ठीक है और कैप्सिकम फ्रूट सेंस किसका होगा ये होगा वाइल्ड पेपर का किसका होगा वाइल्ड पेपर का टोबेस्को सॉस बनता है जिससे टोबेस्को सॉस बनता है बहुत ही मिर्ची वाली होती है ठीक है उसका नाम क्या है कैप्सिकम फ्रूट सेंस नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम क्या है अनाना सेटिवस, रेफनस सेटिवस, या फिर सोलानम ट्यूबरसम बताइए आंसर क्या होगा गुड आफ्टरनून के लाडले, कैसे हैं आप आंसर इधर आया है डी विवेक बोल रहे हैं ट्यूबरसम अमन बोल रहे हैं ट्यूबरसम <clears throat> बहुत अच्छे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इधर सोलह नम ट्यूबरसम करेक्ट आंसर क्या होगा क्या खाओगे कि ट्यूब जैसे फूल जाओगे अगर आलू ज्यादा खाओगे पोटैटो ज्यादा खाओगे तो ट्यूब जैसे फूल जाओगे ठीक है तो उससे क्या याद रखना है ट्यूबरसम अच्छा ये अनानास किसको कहते हैं अनानास किसको कहते हैं जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ अनानास किसको कहते हैं अनानास किसको कहते हैं हम है? अनानास कहते हैं पाइन को अनानास किसको कहते हैं पाइन ऐप्पल को रेल्फा नस रेल्फा से क्या याद रखना है रेडिश यानी की मूली रेल्फ राफा नस से क्या याद रखना है रेडिश यानी की मूली और लेक्टुका से क्या था लेक्टुका से था लेटस लेक्टुका से क्या था लेटस ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा साइंटिफिक नेम ऑफ यानी कि पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है अलियम केपा सेटिवा डोकस कैरोटा या फिर साइडम गोआवा आंसर करो इधर क्या होगा आंसर करो इधर क्या होगा देखो अगर तुम्हें यहाँ देखने को मिलता है अलियम कैपा तो अलियम कैपा यानी कि क्या होगा कैप पहन लो अपने फेस को कवर कर लो अगर आप क्या काट रहे हो अलियम यानी कि अनियन काट रहे हो अनियन काट रहे हो तो अपने फेस को कवर कर लो कैप पहन के कैसे भी करके अपने फेस को कवर कर लो क्योंकि आंसू निकलेंगे अनियन काटते वक्त आंसू निकलेंगे तो जब भी होगा अलियम केपा तो आंसर क्या होगा अलियम केपा का ये होगा अनियन अगर यहीं आ जाता है अलियम सैटिवा अगर आता है आपका अलियम सेटिवा तो आंसर क्या होगा तो होगा गार्लिक ठीक है अनियन गार्लिक दोनों की बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है ठीक है सर में चढ़ जाती है तो अलियम केपा से याद रखना है अनियन और अलियम सेटिवा होगा ठीक है अलियम सैटिवा होगा तो ये अनियन जैसा ही बदबूदार चीज है नाम क्या है तो गार्लिक ठीक है गार्लिक यानी लहसुन ठीक है तो अलियम सैटिवा होगा तो गार्लिक होगा अलियम केपा होगा तो क्या होगा अनियन अच्छा लेक्टू का सेटिवा हमने क्या किया था लेक्टू का सेटिवा हमने किया था कि ये होता है लेटस क्या होता है ये लेटस अच्छा डॉकस कैरोटा क्या होता है डॉकस कैरोटा क्या होता है डॉकस डॉकस क्या होता है डॉकस कैरोटा होगा आपका कैरेट डॉकस कैरोटा क्या होगा देखो यहाँ कैरेट है तो उसी से क्या होगा कैरेट और साइडियम गोवावा गोवा से क्या होगा आपका गोवा अच्छा इसमें तो स्पिनिज पूछा है ये तो ऑप्शन ही गलत डाल दिए स्पिनिज का क्या होता है स्पिनिज का इसमें ऑप्शन ही नहीं है स्पिनिज का स्पिनेशिया ठीक है स्पिनेशिया है स्पिनेच का क्या होगा स्पिनेशिया आपको नाम में ही दिख जाएगा ठीक है आपको नाम में ही दिख जाएगा स्पिनेशिया करेक्ट आंसर क्या होगा इसका स्पिनेशिया होगा ऑप्शन में मैंने डाला नहीं पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा था क्या डाल दिया गलती से ऑप्शन में सारे अलग डाल दिए ठीक है स्पिनेशिया होगा स्पिनेच का क्या होगा स्पिनेशिया नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है जीए मेस ट्रिटिकम एसिटम या फिर एलियम केपा या फिर लेक्टुका सेटिवा आंसर क्या होगा कोई बात कोई बात नहीं हमें जाओ आप अच्छा आप आ, जाके आए हो <laughs> कोई दिक्कत नहीं है जिसको जहां जाना है जा सकता है आजादी है पूरी आपको ठीक है यहां आंसर करो क्या होगा इधर आंसर क्या होगा वीट से क्या याद कराया था वीट को तुम ट्रीट की तरह नहीं लोगे वीट को तुम ट्रीट की तरह नहीं लोगे तो वीट और ट्रीट से क्या हुआ ट्रीटिकम वीट से क्या हुआ ट्रीटिकम व्रीट से क्या याद रखना है ट्रीट मेज से क्या याद रखना है मेज़ मेज से क्या याद रखना है मेज़ यानी कि जो आपका क्या होता है भुट्टा होता है छल्ली वाला ठीक है कौन टाइप वो अलियम केपा कैप पहननी पड़ेगी अगर अलियम यानी कि अनियन काटोगे तो ठीक है आंसू आएंगे अनियन काटोगे तो कैप पहन पड़ेगी अलियम से क्या हुआ अलियम के पास से हुआ अनियन लेक्टू का सेटिवा इससे क्या होगा लेक्टू का सेटिवा से क्या था लेक्टू का से याद किया था लेटस ठीक है मैकवेजी में जो डलता है लेटस ये देखो नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जिंजर जिंजर का यानी कि अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है ट्रीटिकम डॉलिशोस जिंजीवर या फिर फेसियोस <laughs> ही है कुछ सैलेश गुड मॉर्निंग सैलेश कैसे हैं आप बताइए आंसर क्या होगा यहां पर ट्रीटी कम आपको अभी कराया था ट्रीटी कम आपको अभी कराया था आंसर करो इधर क्या होगा मुझे चैट्स नहीं शो हो रहे हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई चैट्स नहीं शो हो रहे हैं हाँ जी हाँ जी एम गुड आई एम गुड रोहित पीडीएफ के लिए देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा जीरो वन यहाँ पर आपको क्लास के जस्ट बाद इसी क्लास की पीडीएफ मिल जाती है जितनी भी क्लासेस होती हैं जस्ट बाद पीडीएफ मिल जाती है सुबह ग्यारह बजे क्लास होती है स्टैटिक जीके की और शाम को साढ़े चार बजे क्लास होती है प्रैक्टिस सेशन होता है क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ आपके एम टी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे और आर आर बी एन टी पी सी के लिए भी ठीक है जिंजर का क्या होगा जिंजीबर से याद रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा जिंजीबर जिंजीबर से क्या याद रखोगे जिंजर याद रखोगे जिंजीबर से क्या याद रखोगे जिंजर याद रखोगे ठीक है यहाँ पर डॉलिचस ये क्या होगा ये हॉर्स ग्राम होता है ठीक है ये क्या होता है हॉर्स ग्राम का नाम है ये याद करो मत करो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रीटिकम से क्या होगा ये होगा आपका वीट ठीक है उतना याद करो जितना इंपॉर्टेंट है ट्रीटिकम इंपॉर्टेंट है जिजीवर इंपॉर्टेंट है ठीक है जिंजीवर से क्या होगा जिंजर होगा ट्रीटिकम से होगा वीट डोलीकोस से क्या होगा ग्राम होर्स जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बैनियन यानी कि ये जो बरगद का पेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम बताना है आपको करक्यूमा लौंगा एलियम सेटिवम निकोटीना टोबैकम या फिर फिकस बेंगे बताइए आंसर क्या होगा बड़े दिन बाद दिखे हैं प्रांशु से लाइक इट्स बिन एज कि प्रांशु कहां थे वो आप बोलो कौन सी क्लास चाहिए मैंने तो तुमको बोल रखा है तुमको जो क्लास चाहिए क्लास ओवर होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो जैसे देवाशीष ने डाला था तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक क्लास रख दी है ठीक है अगले वीक में रखी गई है क्योंकि एक वीक पहले ही दे देती हूँ मैं नेक्स्ट वीक का शेड्यूल एक वीक पहले ही देना पड़ता है ठीक है तो नेक्स्ट वीक का मैं दे चुकी हूँ उससे नेक्स्ट वीक जिसको जो चाहिए वो बता देना मुझे इस वीक के अंदर अंदर ठीक है नहीं नहीं मैं बिहार से नहीं हूँ आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा फिकस बैंगलेंसेज करेक्ट आंसर क्या होगा फिकस बैंगलेंसेस कैसे याद रखोगे बैंगल से क्या याद रखोगे बैनियन बैंगल से क्या याद रखोगे बैनियन ठीक है कैसे याद रखोगे कि छोड़ो बहुत ही खतरनाक ट्रिक आ गई थी मेरे दिमाग में लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप कर देती हूँ ये एक आध इधर उधर लुढ़क गया तो किसी की सांस चली गई किसी को अटैक आ गया तो खाम खा म खा मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि मैम की क्लास ले रहे थे और ऐसी हरकत हुई मैम ने ऐसी ट्रिक बताई कि होश उड़ गए और निकल लिए हम देखो कर क्यों माँ लाऊंगा ये किसके लिए होगा अगर आपको आपको पता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जिसमें सब चीज़ों का क्योर बताते हैं ठीक है ये भी बोलते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को क्योर कर देती है जल्दी ठीक कर देती है अगर लंबी लाइफ लॉन्ग लाइफ जीनी है तो अपनी खाने में अपनी लाइफ में क्या इंक्लूड करो टर्मरिक यानी कि हल्दी क्योर जल्दी कर देती है कोई घाव हो जाए उसके ऊपर हल्दी लगाओ तो वो क्योर जल्दी कर देती है उसको ठीक जल्दी कर देती है तो कर क्यूमा लौंगा यानी कि लंबी जिंदगी चाहिए लॉन्ग लाइफ जीनी है तो टर्मरिक को अपनी जिंदगी में ले आओ अलियम सेटिवम अलियम केपा होता तो होता अनियन अलियम सेटिवम है तो ये अलियम केपा का भाई है जो कि उसके जितना ही बदबूदार है यानी कि गार्लिक यानी कि लहसुन निकोटीना टोबैकम से क्या होगा ये होगा टोबैको तंबाकू ठीक है मत खाया करो अगर तुम में से कोई तंबाकू खाता है तो मत खाया करो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है ठीक है और कुछ इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला कुछ नहीं है इनमें ये सिर्फ टशनबाजी है जो तुम्हें मूवीज़ में दिखता है और बहुत सारी जगह तुम्हें देखते हो ना हीरो है स्मोकिंग कर रहे हैं अल्कोहल है सोशल लाइफ तुम्हें लगता है कि कहीं जा रहे दोस्तों के साथ में तो इन्फीरियर फील होगा कि अगर ये चीज़ें तुम नहीं करते हो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है जैसा खुद को बनाओगे जैसा खुद को फ़ील कराओगे वैसा ही फ़ील करोगे ऐसे बनो कि चार बंदों की छुड़वा के आओ ठीक है ये नहीं खुद लत लगवा के आ गए ऐसे बनो कि चार बंदे जिनको लगी हुई है लत तो उनको छुड़वाओ उनकी जिंदगी अच्छी करो उनके माँ बाप की जिंदगी अच्छी हो जाएगी ठीक है अच्छे काम करो बुरे काम नहीं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ के लिए यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये मेरा इंस्टा आइडिया है अगर आपका इंस्टा अकाउंट है तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा फिकस बैंगलेंसिस करेक्ट आंसर होगा हाँ कबीर सिंह को अगर मैं जानती होती तो मैं उसके जरूर छुड़वा देती ठीक है ज़रूर तो नहीं लेकिन हाँ कम तो करा देती क्योंकि ऐसे लोग है ना आसानी से मानते नहीं है उन, उनको उनको फिर एडिक्शन जिनको हो जाती है ना उनको बड़ी मुश्किल से सुधारना पड़ता है यहाँ बताओ आंसर क्या होगा वट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्लिक यानी कि लहसुन का जो कि किसका भाई है जो अनियन का भाई है इक्वली उसकी खराब स्मेल है तो ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा आंसर करो आंसर कर रहे हैं राज ने बोला है ए सुमिता ने बोला है ए राजेंद्र ने इधर बोला है ए बहुत अच्छे करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इधर एलियम सेटिवम बोला कि अगर इसका भाई एलियम कौन है अनियन एलियम कौन है अनियन लेकिन कैसा है कैपा है कैप लगानी पड़ेगी क्योंकि आंसू आएंगे ठीक है डोशी डोली शो से तुम्हें कराया था हॉर्स ग्राम था कोजनस किजान से होगा आपका पीजन पी फिर यही कहूंगी कि इतना ज़्यादा इनको याद रखने की जरूरत नहीं है आ, पीजन पी को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं मुझे उसकी फ़ोटो डालनी चाहिए थी या तो ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अलियम सेटिवम ये दोनों याद करने की आज सच कोई ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी मैं लिख ही देती हूँ वैसे मुझे लगता है कि अननेसेसरी ज़्यादा मत करो नेक्स्ट क्या होगा साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर टाइगर का साइंटिफिक ने, नेम इनमें से क्या है टाइगर का साइंटिफिक नेम इनमें से क्या है आंसर करो बी आंसर आया है सभी का आंसर आया बी टिगरेस टिगरेस बिल्कुल सही जब भी टाइगरेस होगा तो क्या होगा टाइगर अच्छा लियो होगा तो क्या होगा पैंथेरा लियो किसका इसका कॉमन नेम बताओ पैंथेरा लियो किसका नाम है लियो है तो क्या होगा लायन पार्डस है तो क्या होगा पाड से याद रखो लेपर्ड पाड़ से क्या याद रखना है लेपर्ड इसका पार्ड इसका पाड़ और बायसन बोनासेस का क्या है बायसन ही है मोटा भैंसा होता है ये बहुत ही ज्यादा मोटा ठीक है जैसे ही उस पर वो नहीं करते हैं बायसन के ऊपर करते हैं जिसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है और नीचे गिरा देता है क्या नाम याद नहीं आ रहा बुल करके कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं ऐसे कुछ होता है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या है पाइपर निगरम कोजनस किजान या फिर रेफनस सेटिवम या फिर लाइकोपर्सियन एक टम. टम से क्या था टॉम से क्या था टोमेटो ठीक है टम टोमेटो और टोमेटो जब बर्गर के अंदर होता है तो तुम उसे लाइक करते हो या लाइक करते हैं मैं तो लाइक करती हूँ टोमेटो को बहुत ज़्यादा हर चीज़ में टोमेटो डलवा लेती हूँ तो टोमेटो को मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और पीछे क्या आता है टम रैफा रैफा से क्या था रेडिश रैफा से क्या था रेडिश यानी कि मूली ठीक है जो मूली खाए उसको रफा दफा करो ठीक है जो मूली खा के आ रहा है उसको रफा दफा करो जो मूली के पराठे लेके आ रहा है उसको भी रफा दफा करो ठीक है निकालो उसे बाहर ठीक है क्या होगा उससे रफा से क्या रेडिश यानी कि मूली कोजनस से तुम्हें अभी बताया था कोजनस से कौन सा था पीजन पी था फिर वही कहूंगी इतना याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ पाइपर निगरम ये किसके लिए होगा ये होगा आपका ब्लैक पेपर पेपर से क्या याद रखोगे पाइपर पेपर पाइपर ठीक है पेपर पाइपर और कैसा है निगरम ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा पाइपर निगरम करेक्ट आंसर होगा यहां पर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रो यानी कि कौए का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए आंसर क्या होगा ये मैंने तुम्हें बताया था कौए जैसा गला है किसका कौए जैसा गला है किसका कोरबस का किसका गला है कहुए जैसा कोरवस का तो आंसर क्या होगा इधर क्रो बायसन का क्या है बायसन ही है भैसा ही है ये इक्वस एसिनस जो ऐसा ही है उसके बस की कुछ नहीं है एसिनस है तो वो कौन होगा गधा ए डबल एस एस गधा फेरस जो फरार हो जाता है और तुम्हारे काबू में भी नहीं आएगा वो कौन है वो है हॉर्स यानी कि घोड़ा और यहाँ पर क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है आपसे क्रो तो करेक्ट आंसर क्या होगा कॉरवस स्प्लेंडर्स वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैंडल वुड यानी कि चंदन का साइंटिफिक नेम क्या है चंदन का साइंटिफिक नेम क्या है आंसर करो क्या होगा आंसर करो इधर क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे संतूर चंदन ए आंसर होगा बिल्कुल सही क्या होगा संतूर को कैसे याद रखोगे संत से संत संतूर ठीक है तो जब भी आए यहाँ पर संतल तो आपको क्या याद रखना है सैंडल और सैंडल भी कैसा सैंडल वुड, संतल संतूर से याद रखोगे क्या संतल संतूर से क्या याद रखोगे सैंडल वुड चंदन का साबुन आता है ना संतूर नाम का तो संतलम एल्बम क्या होगा सैंडलवुड डोकस कैरोटा क्या था पीछे लिखा है कैरेट तो क्या होगा कैरेट यानी कि गाजर सिट्रुलस वलगैरिस ये क्या होगा ये होगा वाटरमेलन ठीक है ये दूसरी भांति है वाटरमेलन मेलन की यानी कि तरबूज की जहां पर भी आपको दिख जाए सिट्रुलस क्या दिख जाए सिट्रुलस और आगे क्या हो वलगैरस हो या फिर एक और मैंने तुम्हें कराया था लाटस लांटस ये दोनों कौन से हैं ये वाटर मेलन के पार्ट है लांटस भी क्या लेके आओ गर्मी में क्या लेके आओ लांटस क्या लेके आना है लेके आना है वाटर मेलन सिट्रस वलगैरस या सिट्रुलस वलगैरस या फिर देखो आगे सिट्रुलस होगा तो क्या होगा वाटरमेलन होगा सिट्रिक सिट्रस होगा तो जितनी भी खट्टी चीज़ें वो होंगी लेकिन सिट्रुलस होगा तो क्या होगा वाटर मेलन होगा साइडियम गोवावा होगा तो क्या होगा गोवावा यानी कि अमरूद होगा नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज यानी कि प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है वैज्ञानिक नाम क्या है आंसर क्या होगा इधर आंसर क्या होगा इधर शैलेश बोल रहे मैम बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा अरे मैं ही तो हूँ बिहार की आईपीएस मैं ही बताऊंगी मैं ही निकालने वाली हूँ मेरी काफी अच्छी जान पहचान है वहां पर रोज का आना जाना है वो रोज मुझे ले जाके बंद कर देते हैं लॉकअप में मैं रोज कुछ ना कुछ करके वहां से भाग आती हूँ तो मैं जानती हूँ कि कब आएगा पुलिस का रिजल्ट करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर एलियम केपा यानी कि एलियम यानी कि अनियन कैप पहन के काटनी पड़ेगी डोकस कैरोटा यानी कि कैरेट यानी कि गाजर ठीक है गाजर मैग्नीफेरा से क्या था मैग्नीफेरा से था मैंगो यानी कि आम मैग्नीफेरा से क्या था मैंगो यानी कि आम और ये तो गोआवा है ही है ठीक है और कैपा क्या है अनियन यहीं अगर सेटिवम होता अलियम सेटिवम होता तो क्या होता आंसर तो आंसर होता गार्लिक अनियन का भाई गार्लिक व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉल्फिन डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या है आंसर करो आंसर करो इधर क्या होगा आंसर इधर आ रहा है ए ए ए बहुत अच्छे अमन आकाश सुमिता अमित सिपेन प्रफुल्ल आकाश शैलेश लाडले जी सभी का एकदम करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा डेल्फी नाइडे से क्या याद रखोगे डॉल्फिन डेल्फी से क्या याद रखना है डॉल्फिन अच्छा ये किसका था फेरस कैलेबस किसका था फेरस कैलेबस आपका किसका था फेरस कैलेबस आपका किसका था बहुत अच्छे बिल्कुल सही किसका था ये ये था आपका हॉर्स का अच्छा अगर पूछू कि एक्वस एसिनस किसका था एक्वस एसिनस किसका था ये भी कराया था तुम्हें एक्वस एनिफ एनी एसिनस किसका था आंसर करो क्या होगा बहुत अच्छे ये होगा कह रहे हैं गधे का भाई सॉरी घोड़े का भाई गधा ऐसा नहीं हो सकता अच्छा एल्यूर पोड़ा पोड़ा से क्या याद रखना है एल्यूर पोड़ा होगा तो पोड़ा से याद रखना है पांडा पोड़ा से क्या याद रखना है पांडा क्यूट पांडा, पांडा होता है ना वो जो वो पेड़ों के चिपका रहता है आलसी होता है कभी कभी लगता है मुझे कि मैं ही हूँ वो पांडा आलसी आराम से सोना है आराम से मज़े करने हैं ठीक है और ये वाला तो कुछ है ही नहीं ठीक है ये वाला है, वही कुछ भी है उलझाने के लिए तुम लोगों को डेल्फिन डॉल्फिन के लिए है फेरस कैलेबस हॉर्स के के लिए के लिए एसिनस होगा एस यानी कि गधे और एलोर पोडा होगा तो पोडा से याद रखना है पांडा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना इनमें से बनाना यानी कि केले का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा हाँ कुंफू पांडा जाइंट पांडा बेसिकली ये एलोरपोड़ा जो था ये जाइंट पांडा के लिए होता है बहुत बड़ा पांडा दो तरीके के पांडा होते हैं एक छुट्टू होते हैं एक बड़ू होते हैं तो बड़ू पांडा के लिए आंसर क्या होगा ये हम कर चुके हैं आंसर क्या होगा करेक्ट मूसा पैरेडिसिकम क्या होगा मूसा पैरेडिसिकम इसको याद कैसे करोगे इसको याद कैसे करोगे ये तुम लोग सोचो मैंने इतने सबके बता दिए एक का तो तुम बता दो वनाना का कैसे याद रखोगे मूसा सोचो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ दिमाग के फेरस कैलेबस बस दौड़ाओ और बताओ इसकी ट्रिक क्या होगी ठीक है मैग्नीफेरा से था हमारा मैंगो सेटिवस से था हमारा पाइनएप्पल पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं अनानास बोलते हैं ना तो यही है अनानास और सोलोनम मेलोन जीना, मेलोन जीना से क्या याद रखा था जीना मतलब जल जल है तो जीना है मेलोन जीना मतलब जल कैसा जल ब्रिंजल या फिर एग प्लांट या फिर उबरजीन या फिर यूबरजीन ठीक है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू यानी कि बैम्बू का बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है सेंतुलम एल्बम फीकस बेंगे या फिर निकोटीना टोबैकम या फिर बम्बूसा बस हो गया ठीक है क्या दिख गया मैम हमें बेंबूसा दिख गया तो बेंबू इसी के अंदर है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेंबूसा ठीक है सेंतलम सेंथलम से क्या याद कराया था सेंतल सेंडल या फिर संतूर तो ये किसके लिए मैम ये सैंडलवुड के लिए, लिए. किसके लिए है सैंडलवुड यानी कि चंदन के लिए चंदन वाला साबुन संतूर बेंगे बेंगेल से क्या याद कराया था बेंगैल से याद कराया था क्या होगा बैनियन ठीक है मैं बार बार अपनी उस ट्रिक को रोक लेती हूँ अंदर संवार लेती हूँ ठीक है या फिर ऐसे कर सकते हैं ना बंगाल में सब बनियान पहन के घूमते हैं ठीक है बंगाल में सब बनियान पहन के घूमते हैं तो बंगालनस होगा बंगालनस होगा तो क्या होगा बैनियन होगा निकोटीना टोबैकम से क्या होगा टोबैको निकोटीना टोबैकम से क्या होगा टोबैको यानी कि तंबाकू जिसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए सेहत के लिए हानिकारक होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मरिक हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है करक्यूमा लौंगा एलियम सेटिबम जिंजेबर ऑफिशियनल या फिर एरोमेटिकम अरे <laughs> नहीं रे मैं बहुत ही एक बार मेरा बहुत ज्यादा वो चल रहा था कि मैं बहुत गंदी ट्रिक्स बनाती थी तो फिर मेरे बहुत मजाक बना था बहुत मीम्स बने थे मेरे ऊपर बच बच्चों ने कमेंट में लिखा था मैम हाथ जुड़वा लो प्लीज़ मैम ट्रिक्स मत बताया करो मैम हमें जो आता था ना हम वो भी भूल गए हैं प्लीज मैम गलती से भी ट्रिक्स मत बताना और फिर मैंने ट्रिक्स बनाना छोड़ दिया उसके बाद में फिर मैंने अच्छी ट्रिक्स बनानी आ गई मुझे लेकिन कभी कभी वो पिछला टैलेंट है ना वो पुनर् वो पिछले जन्म के जो पाप हैं वो आगे आ जाते हैं उन ट्रिक्स के रूप में ठीक है आंसर करो क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर क्या होगा कर क्यूमा लोंगा करेक्ट आंसर क्या होगा कर क्यूमा लोंगा देखो अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है अगर आपको लॉन्ग लाइफ जीनी है और हर चीज का आपको क्योर चाहिए आप ठीक हो जाओ तो आपको टर्मरिक को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने लाइफ में एलियम सेटिवम यानी कि अलियम केपा का भाई कौन है अलियम सेटिवम अलियम था अनियन तो अलियम सेटिवम क्या होगा ये होगा गार्लिक अनियन का भाई गार्लिक जिंजिबर जिंजिबर से क्या याद किया था जिंजर जिंजिबर से क्या याद किया था जिंजर और यानी कि अरोमा के लिए क्या डालते हैं लौंग यानी कि क्लॉब किसके अंदर बिरयानी के अंदर पुलाव के अंदर ताकि बहुत ही अच्छी अरोमा आती है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस यानी कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए आंसर क्या होगा इधर <laughs> इंस्टा पे लगा दो ट्रिक तुम क्या चाहते हो एक ही दिन में मेरे इंस्टा के उधर जीरो फॉलोअर्स हो जाए मैं तुम्हारी सारी चाल समझती हूँ लेकिन मैं ऐसा करने वाली हूं नहीं यू विश सो कि मैं ऐसा करूंगी नहीं मेरे को पता लग गया है ना कि मैं अपना टैलेंट आउट नहीं करूंगी किसी ने कॉपी कर लिया तो आंसर क्या होगा इधर आंसर बोल रहे हैं डी बिल्कुल सही देखो ओरिजा सेटिवा हो या ओरिजा मा हो देखो ये ओरिज़ा जहां पर भी आएगा रिज मतलब राइज आर वाई जेड मतलब राइज राइज ठीक है तो राइज से क्या याद रखोगे राइस याद रखोगे राइज से क्या याद रखोगे राइस ठीक है तो ओराइजा सेटिवा हो चाहे ओराइजा गैब्रलिमा हो कोई भी ओराइजा हो क्या होगा राइस होगा यानी कि चावल होगा एलियम सेटिवम एलियम केपा का भाई क्या नाम है इसका इसका नाम है गार्लिक और अगर बोलूँ अलियम केपा तो वो कौन है अलियम केपा कौन है कैप पहननी पड़ती है कब जब अनियन काटते हैं यानी कि प्याज काटते हैं प्लेसियोज मुंगो और ये कैजुनस तो था आपका पीजन पी और मुंगो था आपका ग्रीन ग्राम ठीक है वो छोलिया टाइप नहीं होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं उस टाइप के ठीक है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बियर यानी कि भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है कैनिस ल्यूपस कैनिस वल्प या फिर मस्का डोमेस्टिका या फिर ursus 데 कार्निवोरा ursus 데 कार्निवोरा बताइए आंसर क्या होगा इधर आंसर इधर आ रहा है अच्छा बहुत अच्छे वेरी नाइस nice. जो अगर जिसने भी ए और बी लिखा ना वो तो गया वो तो गया जिसने भी यहाँ पर लिखा ए या फिर बी आंसर इधर क्या होगा आंसर इधर होगा ना तो ये ना तो वो अगर अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कैनिस ल्यूपस क्या था ल्यूपस से तुम्हें कुछ कराया था ल्यूपस कौन था वेम्पायर था उसको मारने के लिए कौन आया था वुल्फ आया था तो कैनिस ल्यूपस किससे रिलेटेड होगा वुल्फ से होगा हो फिर तुम्हें पढ़ाया था कि वर््फ्स क्या होता है वर््फ से तुम्हें क्या याद कराया था वर््फ से याद कराया था फॉक्स ठीक है वर््ब से क्या याद कराया था फॉक्स मस्का डोमेस्टिका देखो मस्का होता है यानी कि जो आपका मस्का लगाते हो ना ब्रेड के ऊपर मस्का किसका लगाते हो बटर का लगाते हो उस बटर के ऊपर उस मस्के के ऊपर कौन आती है मक्खी आती है हाउस फ्लाई मक्खी आती है हाउस फ्लाई बस वही है डोमेस्टिक यानी कि घर में क्या रहती है कैसी फ्लाई है हाउस वाली है डोमेस्टिक है घर की है तो मस्का डोमेस्टिका होगा तो क्या होगा हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी होगा ओके इसका नेम क्या है? मस्का <गँगे> और इसका बियर का क्या होगा उर्सीडे कार्वोरा ठीक है कार्निबोरा इसको कैसे याद रखोगे बियर बोरा वोरा कैसे भी याद रख लो ठीक है एक हाथ तो वैसे भी याद रख सकते हो अपने आप से कि नहीं रख सकते आंसर क्या होगा उर्सी डे उर्सी डे कार्निवरा इससे क्या याद रखना है आपको याद रखना है बियर ठीक है यानी कि भालू ठीक है या ये समझ लो उर्सी नाम है भालू का ठीक है उर्सी डे नाम किसका है भालू का है नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन यानी कि कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है फेसिलियोस ओइसस या फिर आजादी रश्ता इंडिका या फिर फीकिस बैंगलेंसिस या फिर गॉसिपियम हर्बिसियम बताओ आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा इधर देखो यहां पर ये जो आजादी रिश्ता है तुम्हें बोला था आजादी रास्ता तुम्हें किस बंदे से आजादी चाहिए जो तुम्हें नीम खाने के लिए बोले तुम कहोगे कि भैया ये नीम खाने के लिए बोलेगा निकल लो इधर से निकल लो तो फिर कौन सा है नीम आजादी चाहिए किससे जो नीम तुम्हें नीम का शरबत पिला रहा है तुम किसी के घर पे गए तुम्हें नीम का शरबत दे रहा है तुम बोलोगे भैया इससे तो आज़ादी चाहिए यहाँ से निकलो फटाफट तो क्या हो गया आज़ादी रश्ता हो गया फीकस बेंगलेंसेज बेंगल से क्या याद किया था बेंगल से बंगाल याद किया था बंगाल में लोग बनियान पहन के घूमते हैं तो मतलब बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ गौसी मतलब ग्लॉसी गौसी मतलब ग्लॉसी बहुत ही चमकदार बहुत ही सॉफ्ट चमकदार कौन सा कॉटन कॉटन के कपड़े कैसे रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं बहुत ही चमकदार उनमें एक शाइन रहती है ठीक है और ये फैसिलियस है जो ये एक्चुअल में आपका ये भी एक ग्राम है ये आई थिंक रेड ग्राम है ये शायद रेड ग्राम है ठीक है ये वही पल्सेस और ग्राम्स होते हैं ना जो आपके दाल छोले टाइप इन टाइप की चीजें उसमें है ये उसका कोई एक पार्ट है ठीक है इसको ध्यान में मत रखो यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर बोला है कॉटन तो कॉटन का क्या होगा ग्लोसी कौन है सॉफ्ट कौन है कॉटन यानी कि कपास नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो यानी कि टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है जिया में सिट्रस ओरेंटियम सोलनम मेलनजीना या फिर सोलनम लाइकोपर्सिकम बताइए आंसर क्या होगा बताओ इधर क्या होगा करेक्ट आंसर हाँ सर बताइए इधर क्या हो? अच्छा चीनी का शरबत चीनी वैसे ना शुगर इनटेक कम से कम किया करो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा तुम्हें चेहरे पे फाइन लाइंस दिखेंगी और शरीर भी खराब होगा चीनी इज नॉट गुड शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ सिर्फ उसी के लिए नहीं कि जिन लोगों का मोटापा है या जिन लोगों को शुगर है नॉर्मल लोगों के लिए भी जितना हम कम शुगर का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए अच्छा आंसर क्या होगा देखो मेज़ से क्या याद कराया था मेज़ मेज यानी कि जो आपका भुट्टा छल्ली ये इनको क्या बोलते हैं मेज ओरेंटियम ओरेंटियम सिट्रस ओरेंटियम से ऑरन मतलब ऑरेंज यानी कि संतरा ऑरन मतलब ऑरेंज मेलोन जीना से क्या याद कराया था जीना है तो जल चाहिए जीने के लिए जल चाहिए कैसा जल ब्रिंजल ठीक है मेलोन जीना से क्या हुआ ब्रिंजल इसको यूबर जीन भी बोलते हैं और इसको एग प्लांट भी बोलते हैं ठीक है तीनों नाम इसी के हैं नेक्स्ट है, है लाइको पर्सियन में क्या लाइक करती हूँ क्या लाइक करती हूँ जब बर्गर के अंदर टोमैटो आता है तो वो मैं लाइक करती हूँ ठीक है अगर सोलनम लाइको पर्सीकम भी होगा तो क्या होगा तो होगा टोमेटो ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा टोमेटो होगा अगर जैसे कई जगह पे सोलनम लाइको पर्सी हो जाता है कई जगह पे होगा लाइको पर्सीकम लास्ट में उसके टर्म होता है तो आंसर क्या होगा टोमेटो लाइको से याद रखना लाइक किसको करते हो टोमेटो को नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल का साइंटिफिक नाम क्या है जहां पर भी दिखे मैलस एम ए एल यू एस मैलस दिखे तो आंसर क्या होगा यहां पर आंसर क्या होगा मैलस मतलब एप्पल यहां पर बोला है पायरस मैलस ये किसका नाम है ये है पैराडाइज एप्पल का पैराडाइज एप्पल यानी कि एप्पल की एक भाती है एक वैरायटी है जिसका नाम है पैराडाइज एप्पल उसका नाम है पायरस मैलस रफा किसको रफा दफा करोगे जो मूली खा के आया, या के के आया? है या मूली के परांठे लेके आया है रेडिश ठीक है रेडिश यानी कि मूली ट्यूब के जैसे मोटे हो जाओगे अगर क्या खाओगे अगर खाओगे पोटैटो यानी कि आलू कैप्सिकम फ्रूट सेंस किससे था टोबेस्को पेपर या फिर वाइल्ड पेपर कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिर्ची वाली ये होती है तो टोबेस्को पेपर या फिर वाइट uh, पेपर जिसे सॉरी वाइल्ड पेपर कहते हैं वो होगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा एप्पल से बोला है तो करेक्ट आंसर क्या होगा तो होगा पैराडाइज एप्पल नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है फैलिस कैपरा हिरकस इक्वस एसिनस या फिर एल्फाइड नाजा एल्फाइड नाजा ठीक है डाई होना है जिसके पास जाके डाई हो जाओगे मर जाओगे उसके पास ना जा किसके पास ना जा डस लेगा तुम्हें डस लेगा तो मर जाओगे डाई हो जाओगे उसके पास ना जा कोबरा के पास बेटा ना जा ठीक है कोबरा के पास ना जा तो करेक्ट आंसर क्या होगा एल्फाइड ना जा, एसिनस ऐसा वैसा कौन है ऐसा वैसा कौन है ये इक्वस एसिनस है ये है ए डबल एस यानी कि गधा ठीक है कैटस क्या होगा कैटस क्या होगा अच्छा जल्दी से आंसर करो फेलिस इंपॉर्टेंट है नाम में ही दिया हुआ है phallus, catus, बताओ क्या होगा हो है? है, है, है जितने भी कैट या कैट अलाइक चीजें होती है कैट जैसी दिखने वाली जितने भी जानवर होते हैं उनके आगे लगता है फेलिस और अगर आगे फेलिस के आगे लिखा है कैटस तो क्या होगा कैट अच्छा कैपरा हिरकस क्या होगा कैपरा हिरकस क्या होगा ये होगा आपका गोट यानी कि बकरी ठीक है अब इसको याद कैसे करोगे कैपरा हिरकस को नहीं समझ में आ रहा ये वैसे ही याद कर लो कैपरा हिरकस सर्कस में किसको लेके गए गोट को लेके गए ठीक है वैसे कुछ बन तो नहीं रहा इसका मतलब किसी को पता है कैपरा का गोट कैसे याद रखें कोई मेरे जितना टैलेंटेड है तो बताइए मेरे जितना टैलेंटेड है जिसको अच्छी ट्रिक्स आती हो तो एक बार बताओ कैपरा हिरकस को कैसे याद रखेंगे कैपरा हिरकस को गोट से कैसे याद रखेंगे बकरी को कि गोट को सर्कस में लेके गए ठीक है सर्कस हिरकस से याद रख लेना गोट को कहाँ पे लेके गए सर्कस में लेके गए इससे पहले गोट को कोई काम तो होता था, था नहीं था बस उससे क्या करवा रहे हैं गोट को बकरी को उधर बोल रहे हैं कि अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है तो वो बोलती है मैं बस ये कराने के लिए सर्कस में लेके गए हुए हैं तो आंसर क्या होगा गोट का क्या होगा कैपरा हिरकस ठीक है अप्रैल के बाद क्या आता है मे जून से पहले क्या आता है मे ठीक है तो वो किससे रिलेटेड है बकरी से वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पांडा पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी कराया है हाँ सही है मुझे माँ के लाडले में बहुत स्कोप दिख रहा है मेरे लेवल पर ट्रिक्स को ले जाने का मतलब टैलेंट पोडा पांडा बहुत अच्छे विवेक पोडा पांडा बिल्कुल सही <laughs> सच कह रहे हो सच कह रहे हो मैं तो मेरी सच में जबान मतलब तैयार बैठी रहती है ट्रिक बनाने को लेकिन मैं अंदर रोक लेती हूँ मुझे लगता है कि रुक जा बेटा रुक जा बेस्ती कराने से अच्छा है रुक जा आंसर क्या होगा एलोर पोड़ा पोड़ा से क्या याद रखना है पोड़ा होगा तो क्या होगा पांडा होगा पोड़ा होगा तो पांडा होगा अच्छा ये बताओ एन्यूरा रेनी डे क्या होगा ठीक है इसके नाम में छुपा है ठीक है नाम में छुपा है एन्यूरा रेनी डे से कौन सा ऐसा आपका एनिमल है जो एन्यूरा रेनी डे जिसका साइंटिफिक नेम है वो बताओ क्या होगा बताओ क्या होगा देखो रेनी डे पे यानी कि रेनी डे मतलब बारिश के दिन क्या निकल के आते हैं मेंढक फ्रॉग आया मजा आया मजा कि नहीं ठीक है रेनी डे पे यानी कि बारिश के दिन में कौन निकल के आते हैं रेनी डे पे निकल के आते हैं फ्रॉग यानी कि मेंढक तो एन्यूरा रेनी डे से क्या होगा फ्रॉग होगा ठीक है जिराफा से क्या होगा जिराफ होगा, जिराफ होगा। जिराफा से क्या होगा जिराफ होगा और ये तुम्हें बताया था डेक्टाइल टाइल सर्वाइडे किसको सर्वाइव करना पड़ा सलमान खान की गोली से किसको सर्वाइव करना पड़ा बॉस डियर को सलमान खान का फेवरेट एनिमल किसने बताया थी ये चीज मुझे ठीक है तो सर्वाइव करना पड़ता है बेचारे हिरनों को बहुत सारे हंटर से ठीक है बहुत सारे जानवरों से तो सर्वाइवे डेक टाइल डे होगा क्या डियर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्लोव यानी कि लौंग का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ जल्दी गला मेरा सूख गया है बोल बोल के अब तुम लोग बताओगे और मैं सिर्फ इशारों में बात करूंगी ऐसे तुम जो बोलोगे तो मैं बोलूँगी कि सेकंड करेक्ट है ठीक है लेकिन इसमें सेकंड करेक्ट नहीं है इसमें कौन सा करेक्ट होगा ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऐसे काम चलेगा नहीं ना मैं ऐसे इशारों में बात करूंगी तो काम चलेगा नहीं तुम लोग रो दोगे इधर करेक्ट आंसर क्या होगा देखो अरोमा किससे आती है खुशबू किससे आती है अरोमा जब तुम क्लोव डालते हो यानी कि लौंग डालते हो किस में बिरयानी में पुलाव में लौंग डालते हो तो एक अच्छी सी अरोमा आती है ट्रीट ट्रीट से क्या याद रखना है ट्रीट से याद रखना है वीट ट्रीट से क्या याद रखना है वीट वीट की ट्रीट नहीं दोगे बाहर ले जाके जब तक गेहूँ थोड़ी खिलाओगे मैदा खिलाओगे और जब तक कुछ कबाड़ा नहीं खिलाओगे तब तक वो ट्रीट थो, ट्रीट थोड़ी खिलाती है चाहे घर आके सारा कुछ बाहर निकाल दो लेकिन खाना बाहर का है घर का नहीं तो ट्रीट किसकी नहीं दोगे ट्रीट कम किसकी दोगे वीट की ट्रीट कम दोगे नेक्स्ट है ये लेक्यू लेकटुका सेटिवा ये क्या था लेटस से था का किससे था आ, लेटस से और जहाँ पर भी राइज दिखे तो क्या होगा और राइजा है राइज दिखे तो क्या होगा राइस होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट यानी कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है देखो इसमें तुम्हें उसमें ऑप्शन में ही दे रखा है ऑप्शन में ही देख दे रखा है बताओ आंसर क्या होगा बहुत अच्छे सुयश आकाश राजेंद्र एकदम सही करेक्ट आंसर क्या होगा एल्फाइन एल्फेंट टी डे ठीक है और एक एल्फाइडे नाजा है ना जाते क्या हो जाता है कोबरा हो जाता है लेकिन यहाँ पर इसका स्पीशीज का नेम ये है लेकिन जेनरिक नेम दूसरा है उसका जेनरिक नेम ये था स्पीशीज नेम दूसरा था ठीक है तो एल्फेंटी डे एल्फी डे जहाँ पर भी एलिफेंट पूरा लिखा होगा एलिफेंट पूरा लिखा होगा और लास्ट में होगा डे तो क्या होगा तो होगा आपका एलिफेंट ठीक है लेकिन अगर लिख दिया है एल्फाइन डे के पीछे नाजा नाजा पीछे आ रहा है तो होगा क्या तो होगा कोबरा और अगर पीछे आ रहा है एल्फाइन टाइडे तो होगा एलिफेंट मस्का मस्का लगाते हो किस पे ब्रेड के ऊपर मस्का लगाते हो मस्का किसका लगाते हैं बटर का बटर पे कौन आती है फ्लाई यानी कि मक्खी और कैसी फ्लाई आती है डोमेस्टिक यानी कि घर की यानी कि हाउस फ्लाई ठीक है हाउस फ्लाई कॉरवस किसका जो गला है वो कौए जैसा है कॉरवस का गला कौ जैसा है तो आंसर क्या होगा क्रो और फॉर्मी साइड तुम्हें पता है फॉर्मिक एसिड किस में अंदर किन के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है ये पाया जाता है आपकी चीटियों के अंदर एंड्स के अंदर तो फॉर्मी ए क्या होगा एंडस यानी कि चींटी नेक्स्ट व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ चीता चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है फेलिस कैटस बायसन एसिनॉक्स या फिर निलोटिकस आंसर करो इधर क्या होगा <coughs> आंसर करो इधर क्या होगा एंटी बेटा तुम्हारी आंटी, आंटी बताएंगे तुम्हें जो उन्हें कभी एंटी कहना एंट प्लस वाय आंसर क्या होगा इधर देखो चीता है ऐसी रफ्तार किसकी है ऐसी रफ्तार किसकी है जो सब को छाड़ दे सबके उधर से सबके सामने से निकल जाए और कोई भी उसको टस से मस ना कर पाए कोई भी उसको पकड़ ना पाए ऐसी रफ्तार किसकी चीता की ऐसी रफ्तार किसकी चीता की फैलिस कैटस फैलिस्कैटस कैटस से क्या होगा कैट बायसन बॉनसेस से क्या होगा बायसन यानी कि मोटा भैंसा और क्रोकोडीलिया से क्या होगा क्रोकोडाइल क्रोकोडीलिया से क्या होगा क्रोकोडाइल ठीक है मगरमच्छ होगा नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ एंट तो बताइए सुयश एंटी का साइंटिफिक नेम यानी कि चीटी का साइंटिफिक नेम क्या है बताओ आंसर क्या होगा इधर आंसर इधर आ रहा है डी 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 ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फॉर्मी साइडे होगा डी यानी कि एंड से क्या होगा एंड से नाजा किससे रिलेटेड होगा नाजा होगा आपका कोबरा से किसके पास नाजा कोबरा के पास नाजा एल्यूरपोडा पोडा से क्या याद रखोगे पांडा ठीक है लेप्रो रायडे क्यूनिक्यूलस बहुत ही ज्यादा क्यूट और कैसा है राय ठीक है डे से क्या याद रखना इसको रखना रैबिट ये रैपिड की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है लेपोराइड्स इसका नाम क्या है लेपोराइड है ठीक है ये रैबिट जैसे दिखने वाले हैं रैबिट हेयर जैसे दिखने वाले हैं ये वाइट कलर के होते हैं और बहुत ही क्यूट होते हैं तो क्यूनी क्यूलेस लेपोराइडे क्या होंगे लेपोराइड या फिर रैबिट के उसमें याद रख लेना ठीक है रायडे से ये राय से क्या याद रखना है आपको रैबिट याद रखना है थोड़ा सा अजीब है लेकिन हो जाएगा ठीक है इतना हो जाएगा और क्यूनी क्यूनी क्यूलेस से क्यूट वर्ड याद रखना ठीक है क्यूट से होते हैं रैबिट्स तो क्यूनी क्यूलिस से क्यूट याद रख लेना और उससे रैबिट याद रख लेना डन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉल्फिन डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है डेल्फाइनाइडे डेल्फिस या फिर लेपराइडे क्यूनी क्यूलिस या फिर फेरस कैलेबस या फिर एलियोरपोडा मेलन ठीक है आंसर क्या होगा बाकी तीनों के सबके बता चुकी हूँ मैं फेरस कैलेबस क्या था जो इतनी तेज़ रफ्तार होती है फरार हो जाता है कौन हॉर्स यानी कि घोड़ा ठीक है एल्योर पोडा से क्या याद कराया था पोडा से था आपका पांडा डन और लेपराइडे क्यूनी क्यूल से क्या याद कराया था क्यूट रैबिट जो कौन से हैं वाइट कलर के होते हैं जिनको लेपरयड्स भी बोलते हैं लेपरॉइड्स भी बोलते हैं ठीक है इसको जाके सर्च कर लेना फिर दिमाग में बैठ जाएगा लेपराइडे क्यूनी क्यूलस से क्या याद रखो कि रखोगी रैबिट और डॉल्फिन का क्या होगा डेल्फा ठीक है डेल्फाइन से क्या याद रखोगे डॉल्फिन डेल्फाइन से क्या याद रखोगे डॉल्फिन करेक्ट आंसर क्या होगा ए आंसर करेक्ट होगा नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है जियामेस ग्लाइसाइन मैक्स वीटस विनीफेरा या फिर फैसिलियस वलगैरिस आंसर बताइए क्या होगा इधर आंसर बताओ इधर क्या होगा देखो जिया मेज का तुम्हें कराया था जिया मेज का मैंने कराया था कि नहीं कराया था जिया मेज से क्या बताया था जिया मेज से बताया था मेज यानी कि जो आपका भुट्टा होता है वो कराया था क्या कराया था यहां पे मेज होता है मेज से क्या होता है मेज यानी कि भुट्टा ठीक है और विटियस वेनिफेरा से क्या होगा ये शायद मैंने आपको नहीं कराया था ये होगा आपका विटियस वेनिफेरा जब दिया होगा तो ये कौन सा प्लांट होगा ये होगा अच्छा इसका सोयाबीन का आंसर क्या होगा सोयाबीन का आंसर होगा यहाँ पर ग्लास ग्लायसाइन मैक्स इसको याद कैसे करना है इसकी इतने तुम लोग ट्रिक्स बताओ इतने मैं विटियस वेनिफेरा को बताती हूँ ठीक है ये क्या होगा ये होगा आपका ग्रेप वाइन ये क्या होगा आपका ग्रेप वाइन ग्लाइसाइन मैक्स ग्लायसाइन मैक्स ये किस में है सोयाबीन ठीक है अच्छा ऐसे याद कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन किस में पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा में सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है ठीक है किस में पाई जाती है सोयाबीन में पाई जाती है और हम कितना सोना चाहते हैं मैक्स टू मैक्स सोना चाहते हैं ठीक है ग्लायसाइन मैक्स ग्लायसाइन मैक्स ये किसका साइंटिफिक नेम होगा सोयाबीन का किसका साइंटिफिक नेम होगा सोयाबीन का ठीक है और बीटीएस वेनिफेरा को कैसे याद रखोगे ग्रेप फाइन से है कैसे याद रखोगे इसको कोई आपके पास ट्रिक हो तो बताओ दो सौ क्वेश्चन रिविजन करा दीजिए केवल आंसर बताना है डी नो डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा किससे रिलेटेड सुयश किससे रिलेटेड बताऊं मैं मतलब दो सौ क्वेश्चन आप तो रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन या पूरी जीएस के क्वेश्चन ठीक है ये फेलियस जो वल्गेरिस है ये बीन्स के ऊपर है ये बीन्स का नाम है ठीक है जितने भी बीन्स होते हैं उनको बोलते हैं फेलियस वलगैरिस ये जर्नल नेम है ग्लाइसिन मैक्स मैक्स टू मैक्स क्या करना चाहते हो सोना चाहते हो सोया बीन मेज से क्या है मेज विनीफेरा वाइन कैसी वाइन ग्रेप वाइन विनी से क्या है वाइन कैसी वाइन ग्रेप वाइन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ क्यूकंबर क्यूकंबर का वैज्ञानिक विग्यान, नाम क्या है पायरस मेलस आंसर बताइए क्या होगा ओके अच्छा पॉलिटी करवाऊ किसी दिन <laughs> जब तुम लोग यूपीएससी की तुम में से कोई तैयारी करेगा ना तो तुमको पता चलेगा यूपीएससी की जब तैयारी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा अच्छा जो मैं करा रही हूँ इसी से मिक्स ठीक है ऐसे भी कर लेंगे दोनों बार सैटरडे को रख देती हूँ फिर मैं ऐसा सेशन ना सैटरडे को रख देती हूँ इस सैटरडे तो मैंने ऑलरेडी रखवा दिया है जो सेशन रखवाना था नेक्स्ट सैटरडे देखती हूँ ठीक है क्या होगा पायरस मेलस एन एन क्यूक्यू में क्यूक्यूमिस सेटिवस या फिर लेकुआ आपको पता है क्यूक्यू क्यूक्यूमिस से क्या होगा क्यूक्यू मिस मतलब क्यूक्यूम्बर दोनों में क्यूक्यू आ रहा है क्यूक्यंबर में भी क्यूक्यू और क्यूक्यू मिस से भी तो ये यह यहाँ से हो जाएगा अनानास हिंदी में अनानास कौन से फल को बोलते हैं तो बोलते हैं पाइनएप्पल को क्या बोलते हैं अनानास ठीक है तो पाइनएप्पल का क्या हुआ अनानास हुआ पायरस मेलस ये किसका हुआ ये एप्पल का हुआ जहाँ पर भी मेलस दिख जाए वो क्या होगा एप्पल लेक्टुका से क्या होगा लेटस ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है सी नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ रेडिश कोई भी मूली खा के आता है मूली का वैज्ञानिक नाम बताओ मूली खा के आया तो रफा दफा कर दो मूली खा के आया मूली के पराठे लेके आया तो रफा, तो रफा दफा कर दो तो आंसर क्या होगा इधर <laughs> आंसर क्या होगा इधर आंसर होगा रेफेनास सेटिवस ठीक है रफा दफा करना है तो रेफेनास सेटिवस क्या होगा रेडिश का होगा लेक्टिका किससे होगा लेटस से होगा किससे होगा लेटस से क्यूक्यूमिस क्यूक्यूम्बर से यानी कि खीरा एनानास किस हो से होगा आपका पाइन एप्पल से किससे होगा पाइन एप्पल से नेक्स्ट देखते हैं लेमन का साइंटिफिक नाम क्या है सिट्रस लिमोनियम सिट्रुलस वलगेरसट्रस औरम या फिर सोलनम मेलेंजीना औरटियम से क्या बताया था औरट मतलब औरेंज औरट मतलब ओरेंज सिट्रुअस होगा अगर सिट्र्यूलुअस होगा और पीछे वलगैरस भी लगा दिया तो क्या होगा वाटर मेलन क्या होगा वाटर मेलन लेकिन जहाँ पर लेमन दिख जाए तो वो क्या होगा वो होगा खाली लेमन ठीक है वहाँ पर क्या था वाटर मेलन था और यहाँ पर क्या है लिमोन से क्या होगा लेमन मेलन जीना जीना है तो जल चाहिए कैसा जल चाहिए ब्रिन जल चाहिए यहाँ पर पूछा क्या है लेमन तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिट्रस लिमोनियम नेक्स्ट है क्रोकोडाइल का इसमें से क्या होगा नाम क्रोकोडाइल का क्रोकोडाइल का बताना है नाम ऑलरेडी दिया हुआ है मैं तुमसे पूछती हूँ कैपरा हिरकस का बताओ कैपरा हिरकस का बताओ तुम्हें हिरकस कराया था सर्कस से सर्कस में लेके गए किसको गोट को बकरी को और उससे पूछ रहे थे क्या अप्रैल के बाद में कौन सा महीना आता है मई और जून से पहले कौन सा महीना आता है मई ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ थर्ड क्रोकोडीलिया क्योंकि पूछा है क्रोकोडाइल का तो क्रोकोडाइल का क्या होगा क्रोकोडीलिया ठीक है कैनिस वल्प वल्प किसका होगा वल्प होगा फॉक्स का वल्प होगा किसका फॉक्स का ठीक है और चीरो पेट्रा ये चीरो पेट्रा किसका होगा चीरो पेट्रा किसका होगा ये होगा बैट यानी कि चमगादड़ का ठीक है चमगादड़ का अब इसको कैसे याद रखोगे कि अगर तुम्हारे एक बार चमगादड़ चिपक गया ना तो वो तुम्हारा सब कुछ उड़ा देगा चीर देगा ठीक है सब कुछ चीर देगा तेरा तो चीरेगा कौन चीर चीरो पेट्रा ये कौन सा है ये है बैट चमगादड़ अगर चिपक गया तो चीर देगा सब कुछ तेरा तो आंसर क्या होगा आंसर होगा बैट ठीक है याद रहेगा साइंटिफिक नेम ऑफ गोट क्या होगा साइंटिफिक नेम ऑफ गोट क्या होगा तो वो होगा हिरकस यानी कि सर्कस में लेके गए बकरी को और बकरी को बोला कि मई के बाद क्या सॉरी अप्रैल के बाद क्या होगा और जून के पहले क्या होगा ठीक है तो सर्कस में किसको लेके गए गोट को रेनी डे पे कौन निकल के आते हैं फ्रॉग जब बारिश होती है रेनी डे पे फ्रॉग निकल के आते हैं चीर देंगे सब कुछ तेरा कौन चीर देगा बैट यानी कि चमगादड़ लियो होगा तो क्या होगा लायन यानी कि शेर यहाँ पूछा है गोट का तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफ़िक नेम ऑफ जिराफ क्या होगा साइंटिफिक नेम जिराफ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए और क्विज़ भी होती है यहाँ पर सैटरडे संडे को और जो भी डाउट्स है क्वेरीज है यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं शीतल शर्मा ज़ीरो वन यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा जिराफा दिया हुआ है जिराफा क्या होगा जिराफ से वल्प्स आएगा तो क्या होगा होगा फॉक्स कैटस आएगा तो होगा कैट और चीर देगा सब कुछ तेरा तो होगा बैट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ही नहीं ठीक है थैंक यू सो मच क्लास आज काफी अच्छा ये बताओ रिविजन करनी है तुम्हें दो मिनट रिविजन करनी है दो चार क्वेश्चन पूछ लू रिविजन करनी हो तो दो चार क्वेश्चन पूछ लू पूछ लू क्या तो बता दो मैग्नीफेरा इंडिका किससे रिलेटेड है मैग्नीफेरा इंडिका किससे रिलेटेड है मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है एक बार बता दो फटाफट एक मिनट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट फिर जाते हैं ठीक है मैग्निफेरा इंडिका किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ आम बहुत अच्छे मैंगो बिल्कुल सही अगर मैं बोलू हीलियनथस, किसका नाम है हीस किसका नाम है किसका साइंटिफिक नाम है हीस तो हीलियन से क्या याद कराया था हीलियम हीलियम किसके अंदर होता है सन के अंदर तो क्या होगा आंसर सन यानी कि सूरजमुखी क्या होगा आंसर सनफ्लर सन फ्लार यानी कि सूरजमुखी तुम्हें बारले से क्या याद कराया था बारले से क्या याद कराया था वलगरे ठीक है वलगरिस नहीं वलगरे वलगरे होगा तो क्या होगा बारले बार के अंदर सब कैसी बातें करते हैं वलगर बात करते हैं वलगरे बात करते हैं तो बारले क्या होगा वलगरे अच्छा ये बताओ तो पोडा एल्यूर पोडा किसका साइंटिफिक नेम है पोडा किसका साइंटिफिक नेम है बताओ पोडा पोडा से क्या होगा पांडा डा से क्या होगा पांडा ठीक है ये बताओ आजादी रचता आजादी रचता किसका साइंटिफिक नेम है आजादी रचता इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है आजादी रचता किसका साइंटिफिक नेम है तो जो नीम का शरबत पिलाए उसके घर से आजादी ले लो उसके पास से आजादी ले लो ठीक है नेक्स्ट बताओ कैनिस कैनिस ल्यूपस कैनिस ल्यूपस किसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपस कैनिस ल्यूपस किसका साइंटिफिक नेम है फटाफट आंसर करो फटाफट आंसर करो ये होगा आपका ल्यूपस नाम का वेम्पायर है जिसको मारने कौन आए हैं वुल्फ मारने आए हैं बहुत अच्छे विवेक एकदम सही कैनिस ल्यूपस किसका होगा वुल्फ और कैनिस वल्प किसका होगा कैनिस वल्प किसका होगा वल्प किसका होगा ये होगा फॉक्स का ये किसका होगा ये होगा फॉक्स का एरोमेटिकम एरोमेटिकम ये किसका होगा एरोमेटिकम एरोमेटिकम ये किसका होगा? किसका होगा होगा सिजरीजियम अरोमा आती है क्लोव से जब बिरयानी में डालते हैं या फिर पुलाव में डालते हैं ठीक है और एक लास्ट बता दो तुम लोग कि सोलानम मैलोनजीना सोलह नम किससे रिलेटेड होगा ये किसका साइंटिफिक नेम है सोलानम मैनोजिमा किसका होगा मेलोनजीना किसका होगा पटाख से आंसर करो सोलानम मेलोनजीना किसका आंसर होगा किसका साइंटिफिक नेम होगा बहुत अच्छे ब्रिंजल जीना है तो जीने के लिए जल चाहिए कैसा चाहिए ब्रिंजल यानी कि बैंगन ठीक है तो आज का सेशन होता है हमारा ओवर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन वीडियो को लाइक करना मत भूलना वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना सभी के सभी और कमेंट ज़रूर करना क्लास ओवर होने के बाद में वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ें और एस एस सी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है अब मिलती हूँ आपसे शाम को साढ़े चार बजे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो वहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा तुम लोग इतने कम तादाद में आते हो मुझे बहुत बुरा लगता है शाम को प्लीज़ आया करो एक घंटे की क्लास होती है पचास क्वेश्चन करते हैं और क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए पचास क्वेश्चन करते हैं रिविजन करते हैं एक घंटे की क्लास में तो आना मत भूलेगा ठीक है तब तक के लिए ध्यान रखो खुश रहो मस्त रहो और साढ़े बजे आ जाना चुपचाप भूलना नहीं ठीक है मैं आप लोगों का वेट करूंगी साढ़े चार बजे आना है आपको और फिर काफ़ी सारे बैक टू बैक रैपिड फायर की तरह करेंगे क्वेश्चन टिल देन टेक केयर बाय अ नाइस डे अपना ध्यान रखो थैंक यू सो मच क्लास